हम लोग आज एक्सरसाइज 4.4 के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। एक्सरसाइज 4.3 जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया और सभी बच्चों ने लगभग कर भी लिया है पूरे, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन आज सीखेंगे। 4.4 के इंट्रोडक्शन में दो चीज़ें मुख्य रूप से आपको सीखनी है। एक होती है जिसको हम बोलते हैं उपसारणिक, अंग्रेजी में माइनर, और एक होता है जिसे हम कोफैक्टर कहते हैं और हिंदी में उसको बोलते हैं सहखंड। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के बारे में हमको स्टडी करना है। देखिए, सबसे पहले यहां पर हम स्टडी करेंगे माइनर को, और माइनर को हिंदी में बोलते हैं उपसारणिक। ये उपसारणिक जो होता है किसी भी सारणिक का हो सकता है। अगर हमने एक सारणिक ले लिया है डेल्टा इज इक्वल टू A11, या और भी कुछ मान सकते हैं आप, कुछ भी ले लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक डिटर्मिनेंट है और हमको स्टडी किसके बारे में करना है, उपसारणिक के बारे में, माइनर के बारे में। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, किसी भी सारणिक में जितने एलिमेंट होते हैं, किसी भी सारणिक में जितने अवयव होते हैं उस सारणिक के उतने ही उपसारणिक भी होते हैं। बात समझ में आई? फिर से, किसी भी डिटर्मिनेंट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उस डिटर्मिनेंट के उतने ही माइनर भी होते हैं, उतने ही उपसारणिक भी होते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं इस सारणिक के कितने उपसारणिक बनेंगे? 9। क्यों? क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 9। तो इसके 9 उपसारणिक बनेंगे। इस सारणिक में नौ उपसारणिक यानी कि माइनर्स बन सकते हैं। ठीक है, ये जो डिटर्मिनेंट आप देख रहे हैं इसमें 9 माइनर्स हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? हर एलिमेंट का एक अलग माइनर बन जाएगा, हर एलिमेंट का। जैसे अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलता हूं माइनर ऑफ 3, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं, उपसारणिक को प्रदर्शित करने का तरीका क्या होगा? तो उपसारणिक को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल एम से, और इसका तरीका रहेगा आई जे, एम आई जे। आई प्रदर्शित करती है पंक्ति की संख्या को और जे प्रदर्शित करता है स्तंभ की संख्या को। तो माइनर को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल अभी मैं बात करता हूं कि ये जो सारणिक है, जैसे कि मैंने बताया हर एलिमेंट का एक अलग माइनर होता है। अगर इसमें 9 एलिमेंट हैं तो पूरे 9 माइनर्स बनाए जा सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन पर अगर मैं आपसे 3 का माइनर पूछता हूं तो आप कैसे बताएंगे उसको? माइनर ऑफ 3, 3 का उपसारणिक। उसके लिए आपको एक काम करना है, 3 जिस रो में पड़ता है वो रो और जिस कॉलम में पड़ता है वो कॉलम, दोनों को आपको छोड़ देना है। 3 इस रो में पड़ता है ये रो छोड़ दो, इस कॉलम में पड़ता है ये कॉलम भी छोड़ दो, बाकी जो बचेगा वो एक सारणिक में नोट कर लेंगे हम। क्या बचा? 4 5 7 8, बस ये इस अवयव 3 का माइनर है। नहीं समझ में आया? अच्छा, अगर हम चाहें, हाँ एक चीज और देखो, इसको प्रदर्शित कैसे कर सकते हैं? अगर हम m के पदों में रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताइए? रो का नंबर, कॉलम का नंबर लिखना पड़ेगा। तो 3 कहां पर है? 3 का रो भी लिखो, 3 जिस जगह पर उसका कॉलम भी लिखो। रो तो पहली है, कॉलम तीसरा है, तो m 1 3, फर्स्ट रो
थर्ड कॉलम, और उसका माइनर क्या बना, 4 5 7 8। नहीं समझ में आया? अगर मैं आपसे पूछूं माइनर ऑफ 8 बताइए मुझे, तो पहले तो ये बताइए 8 के माइनर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप। 8 का माइनर कौन सा रो है बताइए, 3, कॉलम कौन सा है 2, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे m 3 2। और क्या बनेगा माइनर, 8 का रो और कॉलम दोनों छोड़ दीजिए, 8 का रो भी छोड़ दो कॉलम भी छोड़ दो, 1 3 4 6, 1 3 4 6। नहीं समझ में आया? अच्छा, ऐसे और भी बना सकते हैं आप बना सकते हैं माइनर ऑफ 9 बनाइए, या माइनर ऑफ 7 बनाइए, जो भी मर्जी बना लो यार, माइनर ऑफ 7 बनाइए। पहले रिप्रेजेंटेशन बताइए क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो M31 का माइनर क्या होगा, 7 जिस रो और जिस कॉलम में है दोनों को छोड़ दीजिए, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, तो यहां पर बचेगा 2 3 5 6, 2 3 5 6। ये नहीं समझ में आया आपको? अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि मुझे M33 बताइए, इसका क्या मतलब है बोलो, इसका मतलब है देखो M लगा है, इसका मतलब माइनर बताना है, और तीसरी रो तीसरे कॉलम का माइनर बताना है, तीसरी रो तीसरे कॉलम का माइनर बताना है, इसका मतलब ये 9 का माइनर बताना है आपको, और क्या आएगा, 1 2 4 5, 1 2 4 5। ये समझ आ गया अब आपको? इस तरह से आप किसी भी सारणिक के किसी भी एलिमेंट का माइनर बना सकते हैं, किसी भी सारणिक के किसी अवयव का उपसारणिक आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, क्या आप बता सकते हैं जिस सारणिक के अवयवों के हम माइनर्स बना रहे हैं उस सारणिक का क्रम क्या है? उस सारणिक का क्रम है 3 by 3, 3 × 3 का क्रम है, और उस सारणिक के किसी भी एलिमेंट का जब हम माइनर बनाते हैं तो उसका क्रम क्या आता है? यहां भी 2 by 2, ये भी 2 by 2, ये भी 2 by 2, ये भी 2 by 2। इससे आपको एक बात नहीं पता चलती कि अगर n कोटि का सारणिक है तो उसके किसी भी अवयव का जो उपसारणिक होगा उसका क्रम क्या होगा, n-1 कोटि का उसका उपसारणिक होगा। तो ये चाहे तो एक अच्छा सा नोटिसिएबल पॉइंट है, हम लोग नोट कर सकते हैं कि यदि n कोटि के, या यदि हटा दो n कोटि के सारणिक के किसी भी अवयव, n कोटि के सारणिक के किसी भी अवयव के उपसारणिक की कोटि क्या होती है, n-1 होती है। आप देखिए ना, 3 कोटि का सारणिक था और जितने उपसारणिक बन रहे थे सब 2 ऑर्डर के बन रहे थे, तो इस तरह से अगर n ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट है तो उसके किसी भी एलिमेंट का जब माइनर बनाओगे तो वो n-1 ऑर्डर का बनेगा। और एक चीज देखिए, एक दूसरे एग्जाम्पल से समझिए, अगर एक डिटर्मिनेंट हमारे पास ऐसा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 अगर ये डिटर्मिनेंट है हमारे पास, अब इसमें मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे माइनर बताइए, माइनर ऑफ 2 का माइनर बताइए, 2 किस ऑर्डर का नंबर है पहले इसका, इसका मुझे सिंबल बताइए क्या लिखा जाए। M से प्रदर्शित करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, माइनर बताइए क्या लिखा जाए इसका। 2 का रो और 2 का कॉलम दोनों छोड़ दीजिए, 2 का रो भी छोड़ दीजिए, 2 का कॉलम भी छोड़ दीजिए, क्या आएगा,
तो क्या लिखा जाए? थ्री के डिटर्मिनेंट ऑफ थ्री क्या लिखा जाए बताइए? डिटर्मिनेंट ऑफ थ्री। याद रखिए, आप जब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ते हैं, उसके बाद बचे हुए नंबरों को ऐसे बिखरा थोड़ी देखते हैं, एक डिटर्मिनेंट लगा के लिखते हैं ना। तो जब वन टू और टू फोर ये छूटेगा तो क्या बचेगा? थ्री। लेकिन थ्री को हम अलग नहीं लिखेंगे, डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे। वो बात अलग है कि थ्री का डिटर्मिनेंट थ्री आता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूंगा माइनर ऑफ कुछ भी देख लो, माइनर ऑफ फोर अगर निकालना हो, सिंबल बताइए, एम टू टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्या बचेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ वन। क्या बचेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ वन। इस तरीके से कोई टू बाई टू का अगर डिटर्मिनेंट है तो उसके माइनर्स, उसके किसी भी एलिमेंट के माइनर आप ऐसे बना सकते हैं। समझ आ गया? सो दीज आर द माइनर्स ऑफ एनी एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी डिटर्मिनेंट। ओके, सो प्लीज इसे नोट कर ले। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सहखंड की, जिसे आप कोफैक्टर कहते हैं। नोट करिए, अभी हम लोगों को स्टडी करना है सहखंड, इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं कोफैक्टर्स, ठीक है। किसी भी डिटर्मिनेंट में जितने एलिमेंट होते हैं, तो किसी भी डिटर्मिनेंट में जितने माइनर होते हैं उतने ही कौन होते हैं? उतने ही कोफैक्टर्स भी हो सकते हैं। बात समझ रहे? हर एलिमेंट का अपना एक अलग कोफैक्टर हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज देयर इज अ डिटर्मिनेंट, कुछ भी आप मान लो, एक डिटर्मिनेंट है हमारे पास, और उस डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक डिटर्मिनेंट है। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि शारीरिक के सभी अवयवों का अपना अपना कोफैक्टर होता है, तो यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं बताइए? 9। इसलिए इस डिटर्मिनेंट के कितने कोफैक्टर हो सकते हैं? 9, क्योंकि हर एलिमेंट का अपना कोफैक्टर हो सकता है। अच्छा, एक चीज और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि जैसे आपने देखा कि उपसारणिक यानी कि माइनर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, और एम के साथ आई छे लगा के नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम लगा करके। ऐसे ही जो कोफैक्टर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? थोड़ा ध्यान से देखिए, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कैपिटल ए। याद रखेंगे, उपसारणिक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम। लेकिन कोफैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल ए, और उसके साथ भी हम यहां पर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम लगा देंगे। आई किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को, और जे नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर कोई आपसे पूछता है, कोफैक्टर ऑफ वन, वन का कोफैक्टर बताइए, तो सबसे पहले बताओ इसका सिंबल क्या बनाएंगे आप? वन ये है, इसका सिंबल बताइए ए। फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, ए वन वन। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, और इसको निकालेंगे कैसे? थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, वन वन यहां पर आया है तो करेंगे माइनस वन टू दी पावर नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम, और उसके साथ में क्या लिख देंगे? उसके साथ में जिसका कोफैक्टर पता लगाना है, वो वाला नंबर का रो और उस वाले नंबर का कॉलम दोनों छोड़ देंगे। क्या बचेगा? 5 6 8 9, 5 6 8 9, सॉरी, ये डिटर्मिनेंट साइन लगेगा। ये समझ आया आपको? तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट के किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। अब आप एक चीज देख सकते हैं बेटा, एक्चुअली जो कोफैक्टर है ना, एक्चुअली तो ये माइनर ही है, केवल आगे इसमें क्या लग गया? माइनस वन टू दी पावर वन प्लस वन। इसका मतलब है यहां से किसी भी एलिमेंट को अगर हम उसके साइन सहित यूज कर लेंगे, तो किसी भी एलिमेंट का माइनर उपसारणिक अगर हम उसके निशान सहित यूज कर लेंगे, तो ये उसका क्या बन जाया करेगा? सहखंड।
लेकिन ये तरीका है शयखंड निकालने का। और एक चीज देखिए बेटा, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस वन टू दी पावर वन प्लस वन, ये क्या चीज है बता सकते हैं आप मुझे? फाइव सिक्स एट नाइन, फाइव सिक्स एट नाइन, ये आप अगर देखोगे तो ये वन का माइनर है ना, और अगर ये वन का माइनर तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एम वन वन, देखिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? नहीं समझ में आया? आप देखिए ना, अगर मैं आपसे बोलता एक का माइनर बताइए, तो आप एक का कॉलम और एक का रो दोनों छोड़ देते, पांच छह आठ नौ यही तो बताते। तो ये एक्चुअली एक का माइनर है, यानी कि ये एम वन वन है। तो ए वन वन इज इक्वल टू माइनस वन टू दी पावर वन प्लस वन एम वन वन, समझ आ गया? अच्छा, इसी तरीके से मैं और भी निकाल के आपको दिखाता हूं। देखिए कोफैक्टर्स, नहीं कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ सिक्स। सबसे पहले प्लीज मुझे बताइए व्हाट विल बी इट्स सिंबल, कोफैक्टर ऑफ सिक्स का सिंबल बताइए। ए सिक्स का रो और कॉलम बताओ, सेकंड थर्ड, ए टू थ्री, एंड बिकॉज दिस इज द कोफैक्टर एंड कोफैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ए विद नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। ओके, तो ए टू थ्री इसको कैसे निकालेंगे बताइए मुझे? माइनस वन टू दी पावर नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम, ये लाइन थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अच्छा, और उसके बगल में आपको क्या लिखना पड़ेगा? आंसर है इसी सिक्स का माइनर, इसे सिक्स का उपसारणिक आपको लिखना पड़ेगा, और सिक्स का उपसारणिक ऐसे ऐसे ढक दोगे, वन टू सेवन एट, वन टू सेवन एट। इसको हम और क्या लिख सकते हैं बताइए? माइनस वन टू दी पावर टू प्लस थ्री, और इसको सॉल्व, नहीं सॉल्व का मतलब है कि ये क्या है, तो आंसर है ये तो सिक्स का माइनर है, सिक्स का माइनर है मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एम टू थ्री से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस तरह से किसी भी सारणिक के किसी भी अवयव का कोफैक्टर निकाला जा सकता है। नहीं समझ में आई बात आपको? आ गया? अब अगर ये चीज समझ आ गई तो प्लीज मुझे बताइए, एक और एग्जांपल देखते हैं। कोफैक्टर ऑफ क्या निकाला जाए? कोफैक्टर ऑफ फाइव, सिंबल बताइए सबसे पहले। क्या क्या सिंबल लगाएं? ए टू टू, ए टू टू, क्यों? पहली बात तो कोफैक्टर है तो कैपिटल है, फिर ये फाइव जो है वो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में पड़ता है, इसलिए टू टू, क्लियर? ओके, इसको कैसे लिखा जाए बोलो? माइनस वन टू दी पावर टू प्लस टू, और उसके साथ क्या लिखना पड़ेगा आपको बताइए? फाइव का माइनर लिखना पड़ेगा, फाइव का माइनर, ये ढक दो ये ढक दो, वन थ्री सेवन नाइन, वन थ्री सेवन नाइन। और अगर इसको हम चाहें तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए टू टू इज इक्वल टू माइनस वन टू दी पावर टू प्लस टू, और साथ में एम, और उसके साथ क्या आएगा? ये फाइव का माइनर है ना, फाइव टू टू, तो एम टू टू, एम टू टू, इस तरह से, ठीक है? तो ये हम कर सकते हैं इस तरह से। एक चीज और आप देख सकते हैं बेटा, अगर इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गईं, तो अब आप एक और बात को समझ सकते हैं। क्या अगर मैं बोलूं ए आई जे इज इक्वल टू, तो बताइए मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इन सब को देखिए, ए टू थ्री माइनस वन टू द पावर टू प्लस थ्री एम टू थ्री, ए वन वन माइनस वन टू द पावर वन प्लस वन एम वन वन, ए टू टू इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर टू प्लस टू एम टू टू, इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए? माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे एम आई जे, वेरी गुड, ये हम इस पे लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया आपको? तो इस तरह से हम किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर नोट कर सकते हैं। समझ आया? अब ये कोफैक्टर का यूज क्या है,
इसको हम लोग थोड़ा सा देखना चाहते हैं, तो प्लीज आप इसे नोट करें, इसके बाद इसको हटाते हैं हम। अब ये जो आपने अभी अभी माइनर और कोफैक्टर सीखे हैं, माइनर मींस उपसार्लिक और कोफैक्टर मींस सहखंड, तो ये जो आपने सीखे हुए हैं इनकी मदद से आप जानते हैं हम किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली जा सकती है। कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है और हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। थोड़ा एक चीज़ आप देखें, क्या आप सभी बच्चों को याद है कि किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने का क्या तरीका होता है? एक्सपेंड कर देते हैं हम लोग, तो आप चाहें तो एक्सपेंड कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं चाहे जिसके सापेक्ष आप एक्सपेंड कर दो, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखिए सबसे पहले क्या लिखना है बताइए, A11 लिखना है, A11 के साथ में क्या लिखना है, A11 के साथ में लिखना है इसको और इसको ढक देना है, ये बचेगा A22, A23, A32, A33। इतना समझ आ गया आपको? अच्छा, R1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो अगला एलिमेंट क्या लेना है, A12 लेना है ना, और ये प्लस होगा कि माइनस, माइनस, तो ये हमने लिख दिया A12। फिर से एक छोटा सारणिक बनेगा, ये और ये कवर हो जाएगा, A21, A23, A31 और A33। अगला R1 का एलिमेंट क्या होगा, और ये पॉजिटिव साइन के साथ A13। अब इसको और इसको ढक दो आप, A21, A22, A21, A22, A31, A33, ठीक है, इस तरह से। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, A32, ठीक है, A21, A22, A31, A32, ओके। बेटा गौर से देखना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, A11 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 1 A22, A23, A32, A33। देखो लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस 1 टू द पावर क्या हो जाएगा, 2, और माइनस 1 की घात 2 का मान प्लस 1, प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे पूरा यही आ जाएगा, ठीक है। आगे चले तो प्लस, ये जो A12 लिखा है इसको हमने नोट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 2, और A21, A23, A31, A33, और नेक्स्ट टर्म A13 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 3, ये A31, A22, A21 सॉरी A21, A22, A31, A32, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसी डिटर्मिनेंट में मुझे बताइए, अभी आपने सीखा है कोफैक्टर ऑफ A11, बताइए क्या होगा। सबसे पहले A11 के कोफैक्टर को प्रदर्शित किससे करेंगे, कैपिटल A11, और A11 का कोफैक्टर क्या आएगा, माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 1, और आप देखिए A11 का कोफैक्टर, ये ढका जाएगा, ये A22, A23,
A32, A33, A22, A23, A32, A32, A33, ठीक है। इसी तरह से मुझे बताइए कोफैक्टर ऑफ A12 को प्रदर्शित किससे करोगे? A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12 से, इसको निकालोगे -1 to the power 1 plus 2, और A12 का कोफैक्टर है इसलिए ये और ये पूरा कवर हो जाएगा। A21, A23, A31, A23, A31, A33। इसी तरह से आप मुझे बताइए कोफैक्टर ऑफ A13, पहले सिंबल A13, -1 to the power 1 plus 3, और A13 का कोफैक्टर चाहिए तो ये और ये कवर कर लो। A21, A22, A21, A22, A31, A32। इतना तो सबको मालूम है। अब सभी बच्चे गौर से देखिए ये क्या निकाल रहे हैं, हम इस सारणिक का मान निकाल रहे हैं, और सारणिक का मान निकालने के लिए हमने क्या किया है, R1 के सापेक्ष प्रसार यहां तक पहुंच गए हैं। अब इसको आप और देखेंगे अगर, तो ये A11 हमने लिखा, और एक नजर जरा इसको चेक करिए ये क्या है, -1 to the power 1 plus 1, A22, A23, A32, A33, पूरा कैपिटल A11 है कि नहीं, अर्थात A11 का कोफैक्टर। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, A11। इसका मतलब है जो एलिमेंट होगा उसी का कौन होगा बगल में, कोफैक्टर उसी का सहखंड होगा बगल में। प्लस ऐसे ही यहां पर क्या लिखा है, A12, और इसको चेक करिए ये क्या है, ये कैपिटल A12 है, आप मिलाइए इसको। प्लस सिमिलरली A13, और उसके साथ जो कुछ भी लिखा है ये पूरा, ये क्या लिखा हुआ है, ये कैपिटल A13 है, ऐसे इस तरह से। समझ में आया कुछ आपको? तो आपने एक चीज देखी हुई है कि किसी भी सारणिक का मान हम निकाल सकते हैं, कैसे बताइए, उस सारणिक के किसी भी रो या कॉलम के अवयव ले लो और उसी अवयव के क्या लेते जाओ, कोफैक्टर। अगर A11 लिया है तो उसी का सहखंड ले लो बगल में, फिर प्लस A12 है तो उसी का सहखंड ले लो बगल में, फिर A13 है तो उसी का सहखंड आप ले लेना है बगल में। तो अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो आप क्या निकाल सकते हैं, आंसर है किसी भी सारणिक की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी सारणिक का मान हम पता लगा सकते हैं। नहीं समझ में बात आई आपको? तो किसी भी सारणिक का मान बताइए कैसे निकालेंगे, जैसे एज ए एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, कुछ भी ले लो, 2 4 5 6 7 8 9 10 1, ऐसे ले लिया हमने एक सारणिक। अब अगर मुझे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए तो इसके मुताबिक बताइए मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं कोई भी एक रो या कॉलम ले रहा हूं, बाय चांस मैं R3 लेना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, 9 लेना चाहिए और उसके बगल में मल्टीप्लीकेशन में 9 का सहखंड लेना चाहिए, गुणा करवा दो। 10 को 10 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करवा दो, 1 को 1 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करवा दो, और सबको आपस में ऐड कर दो, जो वैल्यू आएगी वो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। नहीं समझ आया? आया। अगर आप ये वाला C2 लेना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा बताओ, 4 को 4 के कोफैक्टर से, 6 को 6 के कोफैक्टर से, 10 को 10 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। ये मत करना कि 2 को 2 के कोफैक्टर से, प्लस 8 के 8 को 8 के कोफैक्टर से,
प्लस नाइन को नाइन के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा दो, ये मत करना। चलना तो पूरी या तो एक रो में चलना या तो एक कॉलम में चलना, ये आप करवाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, और काम हो जाएगा मतलब डिटरमिनेंट का मान निकल के आ जाएगा। याद रहेगा सभी बच्चों को? नहीं ध्यान रहेगा? तो इस तरह से आप किसी भी सारणिक का मान निकाल सकते हैं। और ये हमने एक्सरसाइज 4.4 का बेसिक कंप्लीट कर लिया। आप इसे नोट करें और इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है? प्लीज नोट करिए। इसमें एक छोटी सी चीज हम और आपको बताना चाहते हैं। जैसे अभी अभी आपने इंट्रोडक्शन में एक चीज देखी कि अगर किसी भी सारणिक के किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों को उनके संगत सह खंडों से गुणा करके अगर जोड़ दिया जाए तो सारणिक का मान आ जाता है, अभी आपने देखा। लेकिन लेकिन अगर हम किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों का किसी दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों के सह खंडों से गुणा करा दें, जैसे हमने अवयव लिए R1 के, तो सारणिक का मान निकालने के लिए सहखंड भी किसके चाहिए आपको? R1 के ही तो चाहिए, R1 के अवयवों के ही सहखंड चाहिए, उनका गुणा करा के जोड़ोगे तो सारणिक का मान निकलेगा। लेकिन अगर आपने अवयव लिए R1 के और सहखंड ले लिए R3 के, और R1 के अवयवों को R3 के सहखंडों से गुणा करा के जोड़ दिया तो क्या सारणिक का मान आएगा? नहीं आएगा। उसकी वैल्यू क्या आएगी? उसकी वैल्यू जीरो आएगी। थोड़ा देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। ऐसे यहां पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा आपको कि अगर हमारे पास एक डिटरमिनेंट है ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू थ्री, ए सॉरी ए टू टू, ए टू थ्री, फिर यहाँ पर ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ये एक डिटर्मिनेंट है। देखो मेरे कहने का मतलब क्या था, मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहते हो तो क्या करना चाहिए आपको? आपको ये करना चाहिए, अगर आप ए वन वन ले रहे हो तो इसी एलिमेंट का सहखंड लेना पड़ेगा ना आपको। अगर आप ए वन टू ले रहे हो तो इसी एलिमेंट का कोफैक्टर लीजिए, अगर आप ए वन थ्री ले रहे हो तो इसी एलिमेंट का कोफैक्टर लीजिए, और जब इसे सॉल्व करोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। आप आर वन से नहीं करना चाहते, सी थ्री से करना चाहते हो वो भी चलेगा। आप ए वन थ्री मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल ए वन थ्री, यानी कि जो एलिमेंट लो उसी का सहखंड बगल में लेना है आपको, समझ रहे हैं? आप ए टू थ्री अगर ले रहे हैं तो उसी का सहखंड आप साथ में लेंगे, अगर आप ए थ्री थ्री ले रहे हैं तो उसी का कोफैक्टर आप लेंगे, तो सारणिक का मान आएगा। लेकिन लेकिन अगर आपने ऐसा कर लिया कि एलिमेंट ले लिए आर वन के, जैसे हमने ले लिया ए वन वन, और सहखंड आप ले रहे हो आर थ्री के, कुछ समझ आ रहा है आपको? अवयव आर वन के और सहखंड आर थ्री के, ए थ्री वन प्लस ए वन टू को मल्टीप्लाई आपने करवा दिया इसके सहखंड से, ए थ्री टू इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई आपने करवा दिया, नहीं सॉरी, इस एलिमेंट को आपने मल्टीप्लाई करवा दिया इसके सहखंड से ए थ्री थ्री, तो इसकी वैल्यू कैसी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि किसी एक पंक्ति के अवयव और उन्हीं के संगत सहखंडों के गुणनफलों का योग सारणिक का मान देगा, लेकिन किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों का किसी दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभ के सहखंडों से गुणा करने से जो योग मिलेगा वो सारणिक का मान नहीं देगा। उसकी वैल्यू कितनी आया करेगी?
उसकी वैल्यू जीरो आ जाया करेगी। अभी एक क्वेश्चन मिलेगा 22 एग्जांपल, उसमें ये चीज हम लोग प्रूव करके देखेंगे। अब ये बताएं, पहले ये बात समझ में आई मैं क्या बताना चाहता हूं आपको? नहीं समझ में आई? आया? फिर से सुनिए, क्या मैंने बताया? किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के सहखंडों से गुणा करके योग करने से उस सारणिक का मान हमेशा कैसा होगा? जीरो हो जाएगा। तो सारणिक का मान कब आएगा? जब आप किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों का उसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों के सहखंडों से गुणा करके योग करोगे तो सारणिक का मान निकलेगा। लेकिन अगर अवयव किसी दूसरी पंक्ति के ले रहे हो, स्तंभ के सहखंड दूसरी पंक्ति या स्तंभ के लिए ले रहे हो, तो फिर गुणा करने से जब जोड़ोगे आप तो सारणिक का मान नहीं आएगा, बल्कि ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? ये वैल्यू जीरो के बराबर आएगी। ये भी एक चीज आपको दिमाग में रखना है। नहीं समझ में बात आई आपको? आया? अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर 19 है, इसमें एक डिटर्मिनेंट हमको दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या करना है देखिए, अवयव 6 का उपसारणिक बताइए। अवयव 6 का उपसारणिक क्या आप बता सकते हैं? उपसारणिक मतलब माइनर। उपसारणिक मतलब क्या निकालना है? माइनर। कैसे निकालेंगे अवयव 6 का? पहले रिप्रेजेंटेशन बताइए। M23, वेरी गुड। उपसारणिक चाहिए तो 6 को ऐसे और ऐसे ढक दो, 1 2 7 8, 1 2 7 8। और यही एग्जांपल करके दिखाया है हमने आपको। सो दिस इज एग्जांपल नंबर 19। समझ आ गया आप सभी को? हाँ, इसको अगर आप सॉल्व कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको इससे सॉल्व करोगे 8 - 7 2 14, वैल्यू कितनी आ गई? -6। तो अवयव 6 का माइनर क्या आया? -6। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल एक 20 है, जिसमें सारणिक 1 - 2 4 3। एग्जाम्पल 20, एग्जाम्पल 20 में एक जो डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है वो 1 - 2 और 4 3 दिया गया है। सभी अवयवों के उपसारणिक और सहखंड बताने हैं, बस। सभी अवयवों के उपसारणिक यानी कि माइनर और सभी के सहखंड यानी कि कोफैक्टर्स आपको बताने हैं। इस अवयव का माइनर कैसे लिखा जाएगा? M11, बताइए क्या बनेगा? ये और ये ढक जाएगा, क्या आएगा? 3। वैल्यू भी कितनी आएगी? 3। -2 का क्या लिखेंगे बताइए? M12, और M किसके लिए है? माइनर के लिए। तो M12 कैसे निकाला जाएगा? कितना मिलेगा? डिटरमिनेंट ऑफ 4, वैल्यू 4। M21 मतलब 4 का माइनर। 4 का माइनर क्या मिलेगा आपको? डिटर्मिनेंट ऑफ 3। इसके बाद M22, इसमें M21, वेरी गुड, ये क्या आएगा? -2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। ठीक है, M22 यानी कि क्या मतलब है बताइए? M22 का मीनिंग बताइए। दूसरी रो और दूसरे कॉलम वाले एलिमेंट का माइनर, अर्थात 3 का माइनर। 3 का माइनर क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ 1 1। तो ये इन सारे एलिमेंट्स के क्या हो गए? माइनर। देखो, आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए, इसको +2 मत लिखिए, क्योंकि याद रहे ये डिटरमिनेंट का साइन है, मॉड्यूलस का साइन नहीं है। मॉड्यूलस होता तो +2 करता वो, लेकिन ये डिटरमिनेंट का साइन है। और क्या निकालना था बताइए? कोफैक्टर। 1 का कोफैक्टर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? A11। तो -1 टू दी पावर 1 +1, और
इसको इसको ढक दो, या तो ए वन वन अगर चाहिए तो माइनस वन टू दी पावर वन प्लस वन एम वन वन, याद आया आपको, और एम वन वन की वैल्यू कितनी है थ्री, माइनस वन टू दी पावर टू क्या हो जाएगा प्लस वन, और प्लस वन को एम वन वन यानी थ्री से मल्टीप्लाई कर दोगे तो थ्री ए वन टू, ए वन टू का मतलब बताइए ये क्या है, पहली रो और दूसरे कॉलम वाले अवयव का सहखंड यानी कि माइनस टू का सहखंड, माइनस टू का कोफैक्टर, कैसे निकालेंगे, माइनस वन टू दी पावर वन प्लस टू एम वन टू, माइनस वन टू दी पावर वन प्लस टू यानी कि माइनस वन टू दी पावर थ्री माइनस वन, माइनस वन को एम वन टू से यानी कि फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन जाएगा ये माइनस फोर, समझ आया आपको, ए टू वन बताइए ये क्या होगा, ए टू वन का क्या मतलब है, दूसरी रो और पहले कॉलम यानी चार का सहखंड निकाल रहे हैं, चार का सहखंड माइनस वन टू दी पावर टू प्लस वन एम टू वन, ये माइनस वन बनेगा और एम टू वन माइनस टू है, माइनस वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस टू, सिमिलरली द लास्ट वन ए टू टू, व्हाट इज ए टू टू, दूसरी रो दूसरे कॉलम में जो एलिमेंट है उसका सहखंड कौन है बताइए, थ्री का सहखंड, और थ्री का सहखंड तरीका आप जानते हो, माइनस वन टू दी पावर टू प्लस टू एम टू टू, इसकी वैल्यू प्लस वन हुई और ये प्लस वन है, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितनी वैल्यू आ गई वन, थ्री माइनस फोर टू वन, थ्री माइनस फोर टू वन, और वो आ गया थ्री फोर माइनस टू वन, ये हमने कर लिया एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी। देखो एग्जाम्पल नंबर 21 अभी हम आपको करके दिखा चुके हैं, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 22 मैं एक बार आपको दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल 22, एग्जाम्पल 22 में बेटा एक डिटर्मिनेंट दी गई है 2 माइनस थ्री फाइव 604 15 माइनस 7, ये डिटर्मिनेंट दिया गया है, एक कह रहे के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए, ए वन वन इंटू ए थ्री थ्री प्लस ए वन टू, ये हमको सत्यापित करना है, ए वन वन ए थ्री वन प्लस ए वन टू ए थ्री टू ए वन थ्री ए थ्री थ्री। देखो इस क्वेश्चन में इस चीज को प्रूफ करके दिखाना है, इसलिए मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं, पहले तो सभी अवयवों के क्या चाहिए, उपसारणिक और सहखंड, ये अब आप करना जानते हो, ठीक है, आप सारे एलिमेंट के उपसारणिक निकालो, सारे एलिमेंट के सहखंड निकालो, कर लोगे या हम करके दिखाएं भाई, आ जाएगा, अच्छा इसको हम प्रूफ करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है, देखिए इसको प्रूफ करके दिखाने के लिए हमको ए थ्री वन चाहिए, पहले ए थ्री वन, ए थ्री वन का क्या मतलब है बताइए, तीसरी रो और पहले कॉलम में जो एलिमेंट है उसका सहखंड, तीसरी रो और पहले कॉलम में जो एलिमेंट है उसका सहखंड मतलब एक का सहखंड, एक का सहखंड कैसे निकाला जाएगा, माइनस वन टू दी पावर थ्री प्लस वन, और ये ढक जाएगा माइनस थ्री फाइव जीरो फोर, इसको सॉल्व करेंगे आप, माइनस वन टू दी पावर फोर ये बन गया प्लस वन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया माइनस ट्वेल्व और माइनस जीरो, कुल मिला के इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस ट्वेल्व। नाउ वी हैव टू फाइंड ए थ्री टू, कैपिटल ए थ्री टू, कैपिटल ए थ्री टू मीन्स दिस इज कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो सेकेंड कॉलम, व्हाट इज द एलिमेंट एट दिस प्लेस फाइव, फाइव का कोफैक्टर चाहिए, माइनस वन टू द पावर थ्री प्लस टू, ये कॉलम और ये रो कवर हो गई, टू फाइव सिक्स फोर, टू फाइव सिक्स फोर, माइनस वन टू द पावर फाइव मीन्स माइनस वन,
4 2s are 8 minus 6 5s are 30. -30 + 8, it will become -22, and -22 when multiplied with -1, it will become +22. Now again we have to find a33 means तीसरी रो तीसरे कॉलम के एलिमेंट का शिखंड को फैक्टर कैसे करिएगा इसको -1 to the power 3 + 3. अब थर्ड रो थर्ड कॉलम कवर हो गया 2 - 3 = 6 0 -1 to the power 6 + 1 = 0 -18 तो +18 हो जाएगा 0 -18 इस तरह से वैल्यू कितनी आ गई 18 ओके अब क्या आप बता सकते हैं इस सारणिक में A11 की वैल्यू स्मॉल है शिखंड है कि अवयव है अवयव है A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2 A12 बताइए -3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A13 बताइए 5 मुझे ये प्रूफ करना है ना तो ये सारी वैल्यूज तो निकाल ली अब हम इसको सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है A11 into A31 A12 into A32 प्लस स्मॉल A13 into A33 रखिए A11 into A31 A11 2 and A31 is -12 2 multiplied by -12 -24 A12 into A32 A12 A32 -3 को 22 से गुणा करेंगे -66 A13 को A33 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 into 18 सॉरी 90 इसको ऐड करिए 6 4 10 6 2 8 1 9 ये 0 हो गया अब आपने देखा ये तो ये बात हमने प्रूफ भी करके देख ली कि अगर फिर से देखो मैं इसको आपको सुनाता हूं ध्यान से सुनिए यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों का किसी दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों के शिखंडों से गुणा करके योग करेंगे तो उसका मान कितना आएगा सारणिक का मान आएगा या 0 के बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा और आप देख लिया आ रहा क्लियर हुआ तो इस तरीके से ये हमने एग्जांपल 22 भी क्लियर कर लिया भाई अब आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है एक्सरसाइज 4.4 तो एक्सरसाइज 4.4 आप सभी लोग करेंगे वैसे मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस लगभग आ ही जाएंगे अगर आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में चल पड़ेंगे समझ में आया और जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो मुझे बताइएगा तो मैं उसको सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा ओके तो ठीक है फिर आज हम मैथ में इतना रखते हैं आगे और पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास पे करते हैं ओके थैंक यू